आज की डेट में इतना कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, अगर आप स्टॉक मार्केट को सीख लेते हैं, आप निवेश के साथ साथ में ट्रेडिंग भी करना जानते हैं, सीख जाएंगे, जिस दिन प्रोफेशनल बन जाएंगे, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिलीव कीजिए, स्टॉक मार्केट से कमाई से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। क्या स्टॉक मार्केट को अपना करियर बनाया जा सकता है? क्या उसको मेन सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया जा सकता है? और स्टॉक मार्केट में अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए क्या मेहनत, क्या डिसिप्लिन जरूरी है? ये वीडियो आपके काम आएगा। दोस्तों, हमारे साथ हैं विपुल कौशिक, जो पिछले 18-19 साल से स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, और वो आपको खुद बताएंगे कि बाजार में नए लोग अगर स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या ऐसे मिथ्स हैं जिनको हमें आज यहाँ ब्रेक करेंगे, जो आपके दिमाग के सवाल हैं, आपको लगता है स्टॉक मार्केट क्या जुआ है या नहीं है, क्या निवेश किया जा सकता है या ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, इन सभी सवालों को आज लेके आए हैं। और आज इंडस्ट्री एक्सपर्ट विपुल कौशिक से आपसे बात कराएंगे और पूछेंगे आपके सवाल मेरे थ्रू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम सवाल शुरुआत करेंगे जो स्टॉक मार्केट के मिथ्स हैं। बाजार में लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या, क्या स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स रिस्की हैं? सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा, स्टॉक मार्केट में मिथ है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। क्या रिस्की नहीं है? आप घर से बाहर जाते हैं, क्या घर से बाहर निकलना रिस्की नहीं है? आज कोविड टाइम्स हैं, आपको क्या मालूम है कि आपके बगल में जो खड़ा है उसको कोविड है या नहीं है? साथ वाले को क्या इन्फेक्शन है आपको क्या मालूम है, आपको नहीं मालूम है? कोई भी पैरामीटर्स नहीं है। आपने जो भी मोबाइल खरीदा, कोई गाड़ी खरीदी, या आपने कोई नया एसेट लिया आपने, क्या उसके केसेस में आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता? क्या आपको, आपने कोई ज़मीन खरीदी, क्या आपके सामने अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्या आप गलत डॉक्यूमेंट्स को के चक्कर में आप गलत ट्रैप नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आज की डेट में कितना फ्रॉड आपके साथ हो रहा है, आपका ऑनलाइन में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, पेटीएम फ्रॉड्स हो रहे हैं और जगह जगह ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो रिस्क लाइफ में हर जगह है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि देखिए, अगर आप एक 25-30 हज़ार रुपये का फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं, एक आईफोन जो 1 लाख रुपये का आता है वो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं फ़ोन खरीदने के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप 10-20 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि आप वो 1,50,000 रुपये शेयर मार्केट में निवेश करें? अगर आप शेयर मार्केट में वो पैसे निवेश करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपकी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, बट स्टॉक्स हमेशा एप्रिशिएट होते हैं अगर आपने अच्छे स्टॉक्स को परचेज किया है। तो पहले तो इस मिथ को ब्रेक कीजिए कि स्टॉक मार्केट रिस्की बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत ही क्लियर था और हमें समझ में आ रहा कि रिस्क तो लाइफ में कहीं भी हो सकता है। जब आप घर से निकलते हैं तो आपकी जान को रिस्क रहता है, आप एक मोबाइल खरीदते हैं तो 30,000 रुपये का रिस्क रहता है अगर वो आपके हाथ से गिर के टूट जाए, आप नई गाड़ी लेके आते हैं उसका एक्सीडेंट का रिस्क रहता है। रिस्क लाइफ में हर चीज़ का, अगर आप पैदल जा रहे हैं किसी ने आपको टक्कर मार दी तो भी लाइफ का रिस्क रहता है। तो रिस्क जगह में है, तो स्टॉक मार्केट रिस्की है, ये मिथ तो हमारा टूट गया है। सर, इस पे आप रोशनी डालना चाहेंगे कि क्या फाइनेंस की नॉलेज होना, क्या कॉमर्स का बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए? बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या स्टॉक मार्केट करने के लिए आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर आप फंडामेंटल स्टडी करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप बैलेंस शीट्स, P&L बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, या अगर आप अकाउंट्स की नॉलेज रखते हैं, कॉमर्स की नॉलेज रखते हैं, जी हाँ, आपके पास एज तो रहता ही है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपके पास एज हमेशा रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तभी स्टॉक मार्केट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट करने के लिए अगर आज की डेट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उनको तो थोड़ा बहुत अकाउंट्स की नॉलेज होनी जरूरी है, फाइनेंस की नॉलेज जरूरी है। नहीं भी है तो इतनी यूट्यूब वीडियोज, इतने अच्छे यूट्यूबर्स इतना अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं, आप देखिए समझिए सीख सकते हैं। आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम कॉमर्स करते हैं तो भी तो कोई टीचर पढ़ाता है, फर्स्ट टाइम साइंस पढ़ते हैं तब भी तो किसी से पढ़ते हैं, तो जब वहाँ पढ़ सकते हैं तो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट को एज ए सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स की बहुत सारी ऐसी ज्ञान मिल जाएंगे आपको, ऐसी ऐसी गूगल पे भरा हुआ है, यूट्यूब पे भरा हुआ है, आप उसको पढ़िए सीखिए। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी ज़रूरी है। हाँ, अगर आप चार्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपको चार्ट को देखना आना चाहिए कि चार्ट क्या है, पैटर्न्स क्या है, इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन क्या बोलता है, ये आप एक टाइम के बाद ट्रेन हो सकते हैं। तो बाजार को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ये सवाल कतई जरूरी नहीं है कि आपके पास कॉमर्स की बैकग्राउंड नॉलेज जरूरी है। चलिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी बड़ा ही बेहतरीन है कि स्टॉक मार्केट कोई भी कर सकता है। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप स्कूल के बच्चे हैं, अगर आप कॉलेज के बच्चे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप रिटायर्ड हैं, आप सीख सकते हैं। आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का हो या ना हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर आ जाती है तो फंडामेंटल अगर आप स्टडी नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं चार्ट ट्रेडिंग करके। चलिए पूछते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कितना पैसा बनाया जा सकता है स्टॉक मार्केट में। सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर कोई जानना चाहता है कि स्टॉक मार्केट से हम कितना पैसा बना सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, कितना पैसा बनाया जा सकता है।
देखिए बिल्कुल वैसा ही है कि कुछ लोग एक चम्मच चीनी पीते हैं चाय में, दूध में, कुछ लोग 2 चम्मच, कुछ लोग 4 चम्मच। जितना मीठा डालेंगे उतना ही मिठास आपको मिलने वाली है। आप 10,000 लगा सकते हैं, आप 20,000 लगा सकते हैं, 10 करोड़ लगा सकते हैं, 100 करोड़ लगा सकते हैं। बाजार बहुत बड़ा समुद्र है, जितना मर्जी पैसा लगाइए। जितना निवेश करेंगे, जितना अच्छा निवेश करेंगे, जितना प्रैक्टिकल सोचा समझा कैलकुलेटेड निवेश करेंगे, उतना पैसा आप इससे बना सकते हैं। ह्यूज ह्यूज मनी। आप देखिए वॉरेन बफेट हमारे सामने एग्जांपल है, क्या पैसा उन्होंने बनाया है। राकेश झुंझुनवाला, पोरिंजू विल्याद, राधाकृष्ण धमानी, ये सब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा बनाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। क्या जवाब है, क्या जवाब है? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना आपके पास कैपिटल है उसको कंपाउंडिंग अगर आप करने लगेंगे और ठीक ठाक से 18-20% की कंपाउंडिंग अगर आप निकालने में कामयाब हो जाते हैं, तो बाजार में वेल्थ क्रिएट की जा सकती है और अतः वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। तो पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में आसान है, बशर्ते आपको सही नॉलेज हो। चलिए आपका अगला सवाल रखता हूं सर के सामने और देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब आता है। सर, लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं कितने से शुरुआत कर सकता हूं, क्या मुझे लाखों रुपए चाहिए स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए? देखिए, जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की कोई लिमिट नहीं है, वैसे ही निवेश करने की भी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे 1 रुपया भी आप निवेश कर सकते हैं, 100 रुपए भी लगा सकते हैं, 10,000 रुपए भी लगा सकते हैं। आप 20,000 लगाइए, 1 लाख लगाइए, 2 लाख लगाइए, जितना आपके पास सेविंग है, जितना आप निवेश करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, लगाने की कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास 5,000 रुपए भी हैं, 10,000 रुपए भी हैं, तो भी आप शुरुआत कर सकते हैं। इवन आप 100 रुपए या 1,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट के मुताबिक शेयर ढूंढने होंगे और जिस शेयर में आप निवेश कर सकते हैं, जिसका आपने डीपली एनालिसिस कर लिया, अब वहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो पैसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10,000 से शुरुआत करें या 10 करोड़ से, ये पूंजी आपकी है। सर, ये तो रहा मिथ को तोड़ना और कैसे कितना पैसा लगाया जाए। सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो नए निवेशक हैं वो शुरुआत कैसे करें, स्टॉक मार्केट में एंट्री की कैसे जाए, अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खोले, कैसे खोले, कौन सा ब्रोकर अच्छा है, ये सब मिथ के ऊपर भी पर्दा उठाइए प्लीज। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोला जाए, शुरुआत कैसे की जाए। जैसे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके पास एक करंट अकाउंट भी होना चाहिए। यहाँ पे करंट अकाउंट की तरह काम करता है ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पे आप खरीद बेच करते हैं, पैसा आता जाता रहता है, स्टॉक्स आते जाते रहते हैं। दूसरा अकाउंट आता है डीमैट अकाउंट, जहां पे जो शेयर्स खरीदते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, वो डीमैट अकाउंट में सेव होते हैं, कस्टडी की तरह वहां पे रखे रहते हैं, वहां पे आप सेव कर सकते हैं। 2 तरह की डिपॉजिटरी रहती है, CDSL एंड NSE। आज की डेट में इंडिया के बहुत सारे अच्छे ब्रोकर्स हैं जिनके साथ हमारा भी एम्पैनलमेंट है, जिसमें से ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, एलिस ब्लू है, IIFL है। अब जिस भी के साथ आप खोलना चाहें, किसी भी वीडियो में चले जाइए, मेरे आपको वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका अकाउंट 3 दिन में, 4 दिन के अंदर अंदर आराम से खुल जाएगा। बहुत सी कंपनी तो 2 दिन के अंदर ही अकाउंट खोल देती है, कुछ कंपनीज फ्री अकाउंट खोलती हैं, कुछ कंपनीज 200-300 रुपए की AMC लेते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल है। AMC से डरने की जरूरत नहीं है, कंपनी बहुत बड़ी बड़ी हैं, देश की दिग्गज कंपनीज हैं ये ब्रोकर्स, तो किसी के साथ भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो दोस्तों, सर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और आप किसी भी इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, एलिस ब्लू, इंडिया इंफोलाइन और ढेर सारी कंपनीज के लिंक आपको मिलेंगे, जहां चाहे आप जाके अपनी पसंद का अकाउंट खोल सकते हैं। सर, एक और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टॉक मार्केट गैम्बल है या बिजनेस? बहुत बढ़िया सवाल, बिजनेस है गैम्बल। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, खाने पीने के हम शौकीन होते हैं, ये एग्जांपल मैंने हमेशा दिया अपनी क्लासेस में, अपने यूट्यूब के वीडियोस में बहुत मैंने एग्जांपल दिया है। मान लीजिए सर्दियों के दिनों में छोले भटूरे बड़े पसंद आते हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया में छोले भटूरे का बड़ा तगड़ा कल्चर है। कितने की बिकती है प्लेट? 20 रुपये से लेके 50 रुपये, 70 रुपये में अच्छे क्वालिटी से लेके मीडियम क्वालिटी तक के छोले भटूरे मिल जाते हैं। जाता क्या है उसके अंदर में, थोड़े से एक प्लेट अगर छोले भटूरे में देखेंगे तो ज़रा सी क्वांटिटी छोले की होती है, थोड़ी सी चटनी होती है, थोड़ा सा प्याज होता है और आपका मैदे से बने हुए भटूरे, थोड़ा तेल चाहिए उसको तलने के लिए, कितना आसान है। पर क्या आप वो काम करने बैठेंगे जो आपको नहीं आता, तो क्या वो छोले भटूरे की दुकान भी आप चला पाएंगे? अगर आपने ये एनालिसिस नहीं किया कि कहाँ पे दुकान लगानी, क्यों लगानी है, कोई कॉम्पिटिटर है या नहीं है, उस एरिया का फंडामेंटल कैसा है, वहाँ के लोग खर्च कर पाते नहीं कर पाते हैं, आप हाई फाई पॉश कॉलोनी में घटिया ठेला लगाने वाले हैं या घटिया पॉश कॉलोनी में बढ़िया ठेला लगाने वाले हैं, मतलब आपको देखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ती हैं। तो आपका वो बिजनेस गैम्बल हो जाएगा अगर आपने दूसरे को देख के किया। वैसा ही स्टॉक मार्केट का निवेश भी है, आपने देखा कि फला आदमी बहुत अच्छा पैसा बना रहा है, आप पैसा लगाने बैठ जाएं, नुकसान होगा, गारंटेड है नुकसान होगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं वो शेयर क्यों चल रहा है।
पर जिस दिन ये समझ में आ जाए कि ये शेयर क्यों चल रहा है, क्यों चलना चाहिए, ये क्या है, बिजनेस है, देश की सारी दिग्गज कंपनीज, चाहे वो कपड़ा बनाती हों, अखबार बनाती हों, चाहे वो टेलीविजन की दुनिया की हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट की दुनिया की हो, चाहे वो खाना बनाती हों, चाहे वो मकान दुकान बनाती हो, सीमेंट स्टील, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं, एविएशन यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे, फार्मा यहाँ पे, बैंकिंग यहाँ पे, टेक्सटाइल यहाँ पे, कितने सारे सेक्टर्स की कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है, 4,500 से ज्यादा कंपनीज है स्टॉक मार्केट के अंदर में, जिस मर्जी में आप एनालिसिस करके पैसा लगा सकते हैं, बट समझेंगे तो सब बिजनेस है, नहीं समझेंगे तो जुआ है। चलिए दोस्तों, आपको जवाब मिल गया होगा कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है। जी हाँ, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी आपको नॉलेज होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा अगर आप दूसरे के बिजनेस को देख के आपको लगता है कि उसका फलां का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, बड़ी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है, अच्छी सेल्स है, अच्छा मार्जिन परसेंटेज है, बट जब तक आप उस बिजनेस को नहीं जानते आप उस बिजनेस को नहीं कर सकते। वैसे ही स्टॉक मार्केट है, दूर के ढोल सुहावने हैं, बट जिस दिन आप इनको बजाना सीख जाएंगे आपको इसमें से कोई ना कोई राग जरूर मिल जाएगा, आपको एंटरटेनमेंट मिल ही जाएगी। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जब आप सीख लेंगे तो बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है, ये प्योर प्योर इन्वेस्टमेंट है, प्योर प्योर बिजनेस है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये स्टॉक्स के प्राइस मूव कैसे होते हैं, ऊपर नीचे कैसे आते हैं, लाल हरा नीला ये सब क्या है सर, कभी कैंडल ऊपर बनती है कभी कैंडल नीचे बनती है, ये सब क्या है सर, कैसे प्राइस का मूवमेंट होता है सर? बहुत ही बढ़िया सवाल, ये प्राइस ऊपर नीचे होता कैसे, लाल हरा पीला? देखिए, ये लाल हरा पीला तो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने डाला कि डिमांड अप होगी, प्राइस अप होगा तो ग्रीन कलर से डिनोट हो जाएगा, उसको ब्लू भी कर सकते हो आप, नीचे आएगा भाव तो शायद रेड कलर से डिनोट होगा, उसको पिंक भी कर सकते हो, वो एक सॉफ्टवेयर के ऊपर है, सॉफ्टवेयर में क्या कलर कॉम्बिनेशन डाले हुए हैं। बट प्राइस के ऊपर और नीचे जाने के पीछे कुछ नहीं है, एक बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो आपने स्कूल में पढ़ी होगी, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी स्टॉक का, अगर स्टॉक की कंपनी का डिमांड है, उसमें अगर मान लीजिए मांग आ गई है, आपको लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इसने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे दिए थे, अगले क्वार्टर के और अच्छे दे सकती हैं, या वो कंपनी किसी ऐसे सेगमेंट से है जिसकी डिमांड आगे होने वाली है, फॉर एग्जांपल फार्मा कंपनीज को देखा हमने कोविड के टाइम पे, मल्टीप्लाई हो गई, डबल ट्रिपल कंपनीज हो गई। तो अगर आप ये एनालिसिस कर पाते हैं मार्च 2020 में कि कोविड आया है, फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स शायद भाग सकते हैं, तो आपने देखा सबके स्टॉक्स क्यों भागे, क्योंकि वहां पे फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स की डिमांड क्रिएट हो गई। जब किसी प्रोडक्ट की सर्विस की डिमांड कम होती है तो प्राइस गिरते रहते हैं, तो एक्स्ट्रा सप्लाई रिड्यूसेस द प्राइस, एक्स्ट्रा डिमांड इंक्रीजेस द प्राइस, सिंपल है ना। सर, एक सवाल जो मेरे सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या वो स्टॉक मार्केट में करियर बना सकते हैं, क्या वो इंजीनियर ना बनके क्या वो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्या वो डॉक्टर ना बनके स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्या वो पायलट ना बनके या टीचर ना बनके क्या स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन सकते हैं, या स्टॉक मार्केट को आसान शब्दों में अपना करियर बना सकते हैं? प्लीज इस पर रोशनी डालिए। बहुत ही बढ़िया सवाल स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में करियर कैसे बनाना है तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट को समझना होगा, इसमें टाइम दीजिए, जितना टाइम आप टिकटॉक फेसबुक सोशल मीडिया पे लगाते हैं उसका अगर आप 1/4 टाइम भी स्टॉक मार्केट को स्टडी करने में लगा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आप इन्वेस्टर बन सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रेडर बन सकते हैं, यहाँ पे आप एक ट्रेनर बन सकते हैं, यहाँ पे एक टिप प्रोवाइडर बन सकते हैं, यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, किसी AMC में जॉब कर सकते हैं, किसी ब्रोकिंग हाउस में जॉब कर सकते हैं। तो करियर बनाने के लिए बहुत सारा स्कोप है। स्टॉक मार्केट को समझिए, इसमें टाइम दीजिए, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत ही बड़ी दुनिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है और बहुत पैसा है। दोस्तों, अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सर, सवाल ये है कि क्या स्टॉक मार्केट को मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर सुना है कि लोग इसको साइड इनकम की तरह ट्रीट करते हैं, लोग देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरह हम इसको बना सकते हैं, क्या जितना आप सैलरी लेते हैं क्या सैलरी का कुछ पार्ट यहां से निकाला जा सकता है, तो क्या स्टॉक मार्केट एक रियल इनकम सोर्स बन सकती है? प्लीज इस पे कुछ टिप्पणी कीजिए। जी हाँ, आप स्टॉक मार्केट को मेन सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, हमने बनाया, हमारे जैसे कितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने बनाया है, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, वो सब प्रोफेशनल तो हैं, सब ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ट्रेडिंग ट्रेनिंग से आता है, तो स्टॉक मार्केट हमने सीखा है, समझा है, उसमें समय दिया है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है, हमें तो कुछ और आता नहीं है भाई। जब स्टॉक मार्केट में हम अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, आज दो बच्चे हैं, बीवी एक परिवार है, उन सबको पालने के लिए स्टॉक मार्केट ही हमारी हेल्प कर रहा है, तो आपके स्टॉक मार्केट हेल्प क्यों नहीं कर सकता? आप में और हम में कोई कमी नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, फर्क सिर्फ है अप्रोच का। हमने अपनी अप्रोच को बिल्कुल चेंज किया, हमने अपने स्टॉक मार्केट को यह समझ लिया कि इससे ज्यादा बेटर कोई चीज हमें आती नहीं है, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, और इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस स्टॉक मार्केट है, तो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? यस, यू कैन मेक दिस स्टॉक मार्केट एज मेन सोर्स ऑफ इनकम, एब्सोल्युटली यस। तो सो अगले दो सवाल जो आपके जहन में चल रहे होंगे, हर किसी के जहन में चल रहे होंगे, हर कोई कहना चाहता है, आपकी तरफ से पूछता हूं, बड़ा जबरदस्त सवाल। सर, अगला सवाल ये है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बना जाए, क्या फर्क होता है कि एक आम ट्रेडर
और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में? बहुत ही बढ़िया सवाल है कि प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बना जा सकता है। इस सवाल का जवाब मैं आपके व्यूअर्स को डायरेक्ट देना चाहूंगा। व्यूअर्स एक बात समझिए, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए? जैसे अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं, आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? आपको एक कोच चाहिए जो आपको बता सके कि क्रिकेट में बैट कैसे पकड़ना है, आपका स्टांस कैसे लिया जाएगा, स्विंग बॉल कैसे आती है, इन स्विंग कैसे होती है, आउट स्विंग कैसे होती है, यॉर्कर क्या होती है, गुगली क्या होती है, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन सब आपको पता होना चाहिए। पिच की रिपोर्ट आपको आनी चाहिए, पिच रिपोर्ट कैसी होगी, पिच में बाउंस है या नहीं है, ग्राउंड कितना बड़ा है, हवा किस तरफ की है, कहाँ से मुझे स्टांस लेना चाहिए, किस तरफ मुझे ज़्यादा हिट करना चाहिए, कहाँ प्लेयर खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े हैं। जब एक एनालिसिस पूरा वहाँ पे करते हैं, डेटा पॉइंट वहाँ इकट्ठे करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, वैसे ही स्टॉक मार्केट में एक प्रोफेशनल बनने के लिए, देखिए गली कूचे का क्रिकेट तो हम सबने खेला, आपने खेला, मैंने खेला, बट मैं तो विराट कोहली नहीं हूँ, मैं तो सचिन तेंदुलकर नहीं बना, क्योंकि मैंने उसको एक प्रोफेशनल के तरीके से परस्यू नहीं किया। वैसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट को परस्यू करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको इसको टाइम देना होगा। टाइम पास करने से नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं टाइम पास के लिए स्टॉक मार्केट को सीख लूँ, थोड़े से यूट्यूब वीडियोस देख ली, मैंने ज्ञानबाजी हो गई और बाजार में पैसा लेके उतर जाऊँ, नहीं होगा गाइस, बिल्कुल नहीं होगा। आपको किसी ने किसी को गुरु बनाना होगा, या तो आप स्टॉक मार्केट को गुरु बनाइए, बाजार से बड़ा गुरु कोई नहीं है, नहीं तो किसी एक प्रोफेशनल ट्रेडर को अप्रोच कर सकते हैं, किसी ट्रेनर को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मेरी क्लासेज होती हैं, पूरे इंडिया में क्लासेज होती हैं, जैसे ही कोविड के नॉर्म्स थोड़े ठीक होंगे, पूरी इंडिया ट्रैवल करेंगे, जगह जगह हमारी क्लासेज होंगी, ऑनलाइन क्लासेज मैं नहीं लेता हूँ, वैसे ही बहुत सारे ट्रेनर्स आपके शहर में मिल जाएंगे। अगर आप मुझ तक आना चाहते हैं आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। नहीं आना चाहते, आपकी सिटी में एक अच्छे ट्रेडर ट्रेनर को देखिए, सीखिए, किसी को तो गुरु बनाइए। अब एक मोबाइल फोन पे 30,000 रुपये बर्बाद करने से अच्छा है 30,000 रुपये किसी ट्रेनर को देखे, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसे बर्बाद नहीं होंगे, कम से कम आप उसके टच में आने वाले हैं, अपने डाउट्स पूछने वाले हैं, कहीं ना कहीं जाके आपकी थोड़ी बहुत ही हैंड होल्डिंग हो जाएगी, आपको छोटा मोटा सीखने को मिलेगा। फिर जब सीख लेते हैं, बेसिक्स देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है पूरा अच्छे से चार्ट रीडिंग कीजिए, डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं उनको समझिए, ऑप्शन चेन क्या होती है वो देखिए, चार्ट को कैसे देखा जाए, प्राइस एक्शन को कैसे देखा जाए, कौन से पैटर्न्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं। जब ये सब चीज़ें आप एक मंझे हुए ट्रेडर की तरह देखना जान जाएंगे, उस दिन आप प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाएंगे। नहीं तो आप एक सिर्फ ट्रेडर हैं, एक कॉमन मैन है, एक आम इंसान है, जिसको कभी पैसा आएगा कभी पैसा जाएगा, और आखिरी में निचोड़ जीरो है। जब तक आप स्टॉक मार्केट को एज ए प्रोफेशन नहीं लेंगे, आप उसमें पैसा नहीं बना सकते। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या एक नॉर्मल ट्रेडर हैं। अगर आपको नॉर्मल ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ बढ़ना है, तो आपको इस मार्केट को सीखना ही होगा, और सीखने के लिए आप सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल सर की स्क्रीन पे चल रही है, आप उनको नोट कीजिए, टीम से बात कीजिए और अपनी सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप खुद सीख सकते हैं, सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज का आखिरी सवाल, सर बेस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल, ट्रेडिंग की जाए कि इन्वेस्टमेंट की जाए? चलिए, ये सवाल का जवाब भी मैं आपको ना देके आपके व्यूअर्स को देना चाहूंगा। देखिए व्यूअर्स, इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, अच्छी होती है, रिटर्न्स बहुत जबरदस्त आती है, कंपाउंडिंग बहुत जबरदस्त होती है। ट्रेडिंग भी एक ऐसा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का पार्ट है। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग या सट्टा मारने के फेवर में नहीं हूं। मैं हमेशा से चाहता हूं कि आप अपने पैसे को मनी मैनेज करें। आपको पता होना चाहिए कितना पैसा आप ट्रेडिंग में लगाना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कितना पैसा आपको निवेश में रखना है। आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपका रोड मैप, आपका प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको निवेश करना है कि आपको ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, बहुत हेडेक है, बहुत स्ट्रेस है। ऐसा नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग सक्सेसफुल नहीं है, तो उसके लिए बहुत मनी मैनेजमेंट चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, ये सब आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आप निवेशक अगर बनते हैं, शॉर्ट टर्म निवेशक बन सकते हैं, स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडर बन सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि नए लोग स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कैसे वो एंटर कर सकते हैं, क्या स्टॉक मार्केट को अपना करियर बनाया जा सकता है, क्या उसको मेन सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया जा सकता है, और स्टॉक मार्केट में अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए क्या मेहनत, क्या डिसिप्लिन जरूरी है, ये वीडियो आपके काम आएगा। दोस्तों, नॉलेज पे सबका अधिकार है, आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि आने वाली जनरेशन जो बी योर ओन बॉस बनना चाहती है, जो किसी की नौकरी नहीं करना चाहती, आज की डेट में इतना कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, अगर आप स्टॉक मार्केट को सीख लेते हैं, आप निवेश के साथ साथ में ट्रेडिंग भी करना जानते हैं, सीख जाएंगे, जिस दिन प्रोफेशनल बन जाएंगे, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिलीव कीजिए, स्टॉक मार्केट से कमाई से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आप मकान, दुकान, घोड़ा, गाड़ी, नए नए टूर एंड ट्रेवल्स, अच्छी लग्जरी कार्स, आप जो अपने सपने पाना चाहते हैं पा सकते हैं, बट आपको एक अच्छा निवेशक होना पड़ेगा, आपको स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स बहुत ही सराहनीय रहते हैं, एक के कमेंट्स को मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, ऐसे स्टाइलिश वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। आपकी कमेंट्स, आपकी अप्रिसिएशन मुझे मोटिवेट करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।